अगर गायब होने की बात करें तो यह पता ही नहीं चलता कि 8 घंटे की नौकरी और 8 घंटे सोने के बाद बाकी बचे 8 घंटे कहां गायब हो जाते हैं। यह जानकर आपको और शोक लगेगा कि इन बचे हुए 8 घंटों में आप जो काम करते हैं उसी से आपकी सक्सेस तय होती है। लोग यह तो जानना चाहते हैं कि कम पैसों में कैसे गुजारा किया जाए। अखबारों में अनेक लेख छपते हैं कि पैसों को कैसे बचाया जाए या पैसों का बेस्ट यूज कैसे किया जाए, और इन सब बातों में लोग रुचि भी लेते हैं, लेकिन आपने ऐसे लेख बहुत कम पढ़े होंगे जो ये बताए कि हर दिन को खुल के कैसे जिया जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्नाल्ड बेनेट की 1908 में प्रकाशित हुए किताब हर दिन 24 घंटे कैसे जिए के बारे में। इस किताब का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने किया है, साथ ही इसमें आज के संदर्भ के कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। समय धन से भी ज्यादा कीमती है। धन जाने पर मेहनत करके वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय का एक छोटा सा टुकड़ा भी जाने के बाद वापस लौटकर नहीं आता। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हर इंसान के जीवन में रोज चमत्कार होता है जब उसे हर दिन खर्च करने के लिए 24 घंटे मिलते हैं। जी हां दोस्तों, आपने अपने बीते कल का सही उपयोग किया हो या नहीं, पर प्रकृति बिना भेदभाव के सभी को 24 घंटे देती है। इसका अर्थ है कि हर रोज आपके पास एक नई शुरुआत करने के लिए चमत्कार होता है और आपको 24 घंटों का समय मिलता है जिसे आप अपने मनचाहे कामों में खर्च करके जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। सभी के अंदर अच्छी जिंदगी जीने की एक इच्छा होती है। अपने और अपने परिवार का पेट पालना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना, घर बनाना, यह सब चीज अपनी जगह है। केवल इन्हीं सब में उलझ कर रहना जिंदगी नहीं है। जिम्मेदारियों के चक्रव्यूह से बाहर निकलना आसान नहीं होता, और अगर आप जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा भी लें तो भी आपको पूरी तरह से जिंदगी जीने का एहसास नहीं होता है। ऐसे में आपको लीक से हटकर चलने की जरूरत है। कुछ ऐसा करें जिससे आपको जीवन का एहसास हो। बिना सोचे समझे जीने की बजाय चेतन होकर जीना चाहिए। चेतन होकर जीने के लिए आपको अपने ज्ञान को हरदम बढ़ाने की जरूरत है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें सबसे आम है मूल्यवर्धक किताबें पढ़ना। लेखक का कहना है कि अगर आप अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी रहे हैं तो हर समय आपके अंदर कुछ अधूरा छूटने की असंतोष की भावना बनी रहेगी, और आप अपने आप को समझाते रहेंगे कि अभी सही समय नहीं है। जब आपके पास ज्यादा समय होगा तब आप वह सारा काम करेंगे। लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि जितना समय आपके पास अब भी है उतना समय ना आज के पहले कभी था और ना आज के बाद कभी होगा, क्योंकि कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर ले और जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं उसे बस शुरू कर दे। उसके लिए सही समय का इंतजार ना करें, क्योंकि वह कभी नहीं आता है। उत्साह में लिए गए फैसले पर पूरे सोच विचार कर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जिस समय हम उत्साह में होते हैं तब हम किसी भी चीज की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उसके साथ लंबे समय तक बने रहने में काफी पेशेंस की जरूरत होती है। इसलिए कम समय में ज्यादा बड़ी सफलता की आशा लगाए ना बैठे, बजाय इसके छोटी छोटी सफलताओं से खुश होते रहे। जब आप खाना खाते हैं तो आप छोटे छोटे निवाले लेकर खाना खाते हैं, सारा खाना एक साथ नहीं खाते। ठीक उसी तरह से यह छोटी छोटी सफलताएं आपको बड़ी सफलता के मार्ग में आगे बढ़ाती है। आपको यहां यह जानने की जरूरत भी है कि आपकी सारी मुश्किलों की जड़ क्या है। आप केवल 8 घंटे नौकरी करते हैं तब अपने बॉस का कहना मानते हैं, बाकी के 16 घंटे आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, तब आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं। ऐसे में आपकी नींद के बाद बचे हुए समय में आप जिस तरह के फैसले लेते हैं और कार्य करते हैं उसी से आपकी सफलता तय होती है। बहुत से लोग सुबह आराम से उठते हैं, कई लोग तो तब उठते हैं जब उनकी पत्नी चिल्लाती है कि उठो वरना आप ऑफिस जाने में लेट हो जाएंगे। फिर वह जल्दबाजी में तैयार होकर घर से निकलते हैं। कुछ लोगों को ऑफिस जाने में 1 घंटे तक का समय भी लगता है। वे लोग इस समय को अखबार की बेमतलब की खबरों को पढ़ने, गाने सुनने या गपशप में बिता देते हैं, जबकि उस समय में एकाग्रचित्त होकर कोई ऐसा काम किया जा सकता है जो आपके व्यक्तित्व विकास में जरूरी हो। इसके बाद जब शाम को आप घर लौटते हैं तो आप अपने आप को थका हुआ समझते हैं, और फिर जैसे तैसे खाना खाकर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टहलते हैं, घूमते फिरते हैं। फिर आप घड़ी की तरफ देखते हैं, आपको लगता है कि 11 बज चुका है। फिर आप आधा पौन घंटा मोबाइल देखने में इस जद्दोजहद में बिता देते हैं कि आपको सोना है और आपकी शाम खत्म हो जाती है। इसके विपरीत अगर शाम को ऑफिस से आने के बाद आपको किसी सुंदर लड़की के साथ मूवी देखने जाना हो तब आपकी थकान दूर हो जाती है और आप पूरी शाम को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। इसका अर्थ है कि आप किसी भी शाम को थके हुए नहीं होते हो अगर आपके पास करने के लिए ऐसा कार्य हो जिसे आप पसंद करते हो।
इसीलिए अपनी हर शाम को थकावट के बहाने बिताने से अच्छा है कि आपके पास हर शाम करने के लिए ऐसा काम हो जो आपको जीवन जीने का एहसास कराए, न कि सिर्फ समय को काटने का। हमारे चंचल मस्तिष्क के चलते हम किसी एक विषय पर पूरी एकाग्रता के साथ काम नहीं कर सकते। हमारे विचारों को नियंत्रित रखें बिना सच्चा जीवन जीना असंभव है। लेखक का मानना है कि सुबह उठते ही हमारे मस्तिष्क को साधना की जरूरत है। सुबह उठकर हमें मोबाइल पर मैसेज देखना, व्हाट्सएप स्टेटस देखना और अपने मेल चेक नहीं करना चाहिए। बजाय इसके किसी मोटिवेशनल बुक का कोई पेज या फिर कोई सकारात्मक विचार पढ़ा जा सकता है, जिससे कि एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत हो सके। इसके साथ ही एकाग्रता का अभ्यास जरूरी है। हर रोज हमें हमारे मस्तिष्क को किसी एक विचार पर एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। जब यह भटके तो इसे वापस इस विचार पर लाकर अभ्यास करना चाहिए। ऐसा निरंतर पालन करने से कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका दिमाग एक विचार पर एकाग्र होना शुरू हो जाएगा और इस एकाग्रता के चलते आप अपने समय पर बेहतर नियंत्रण करके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। हमें दिमाग को एकाग्र करने की शुरुआत प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे से करनी चाहिए। आज के समय में जिस सबसे बड़ी चीज की कमी है वह है एक इंसान का खुद को न जानना। वह विचारशील चिंतन नहीं करता, वह यह नहीं सोचता कि उसके जीवन में सुख क्यों नहीं है, वह उसकी जड़ तक नहीं पहुंचाना चाहता। उदाहरण के लिए, जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो खराब सब्जी के लिए आप वेटर को बुरा भला कहते हैं, पर वास्तव में सब्जी वेटर ने नहीं बनाई। आपको यह तर्क करने की जरूरत है कि इसमें वेटर का कितना दोष है। इसी तरह से जीवन में भी यह सोचना और चिंतन करना बहुत जरूरी है कि जीवन में जो चीज आपको चाहिए वह किस वजह से नहीं है। चिंतन करने के इस महत्वपूर्ण काम को आप शाम के समय में कर सकते हैं। शाम के समय दिन भर की सारी भागदौड़ खत्म हो जाती है और आप अपने दिन का बेहतरीन हिस्सा जीने को तैयार होते हैं। लेकिन लोग इस शाम को सोशल मीडिया पर गपशप करने और अनवांटेड वीडियो देखने में बिता देते हैं और इसी तरह से एक एक करके वह अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण शामों को बिताकर अपने जीवन को काट रहे हैं। बल्कि वास्तव में इन शामों को अपनी बुद्धि और कौशल को बढ़ाने में तब्दील किया जा सकता है। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ी जा सकती है या कोई प्रेरणादायक वीडियो देखा जा सकता है। प्रकृति में कुछ भी इतना नीरस नहीं है जितना हम सोचते हैं। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और जब आप कारण और परिणाम के इस विज्ञान को समझ लेते हैं तो आप मानव स्वभाव को भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। किताब में एक उदाहरण दिया गया है कि एक शहर में मकान किराया 3,000 से बढ़कर एक ही दिन में 6,000 रुपए प्रति महीना हो गया। वास्तव में ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण था शहर के पास में एक नई फैक्ट्री का खुलना, जिसमें अभी स्टाफ के रहने के लिए कॉलोनियां नहीं बनी थीं और वहां का स्टाफ मुंह मांगा दाम देकर इस शहर में रहने को मजबूर था। जब हमें कारण पता चलता है तो हमें परिणाम की वजह समझ में आ जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। या तो जीवन में सामने आने वाले परिणामों पर हम दिन भर रोना रो सकते हैं या फिर कारण और परिणाम के विज्ञान को समझकर हम उसमें अवसर खोज सकते हैं। खुद में बदलाव लाने के लिए किताबों का सहारा लेना एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। आप जिस विषय में भी खुद में बदलाव लाना चाहते हैं और बेहतर बनना चाहते हैं उस विषय की पुस्तक चुनी जा सकती है। आजकल और भी ज्यादा अच्छा उपाय ऑडियो बुक के रूप में उपलब्ध है, जो अभी आप सुन भी रहे हैं। दुनिया में ढेर सारी बुक्स अवेलेबल है, इसलिए आपको अपना स्वसुधार का दायरा निश्चित करना होगा। ऐसा करने पर आप उस फील्ड में विशेषज्ञ बन जाएंगे और विशेषज्ञ होना सबको अच्छा लगता है। किताबों को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता। बहुत सारे लोग किताबों को हवा की गति से पढ़ते हैं और ये डींगे हांकते हैं कि उन्होंने साल भर में इतनी किताबें पढ़ी। वास्तव में अगर आपने किताब को पढ़ने के बाद उस पर चिंतन नहीं किया या आपने यह नहीं सीखा कि इसको पढ़ने के बाद जीवन में क्या बदलाव लाया जा सकता है, तो ऐसा पढ़ना आपके किसी काम का नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से एक चाकू से हवा को काटना। इससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए आप जो भी पढ़े उसको अपने जीवन पर आजमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस किताब के आखिरी अध्याय में लेखक ने हमें कुछ खतरों से बचने की हिदायत दी है। पहला खतरा है मिथ्यावादी बनने का। जब हम इस किताब में दिए गए नियमों का पालन करके अपने जीवन को अच्छे से जीना शुरू कर दें, तब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ही दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं और हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं और हमारे आसपास जो लोग हैं वह तो जीवन का सही से आनंद ही नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई आपके तर्कों को नहीं मानेगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे कि किसी ने आपकी बात का विरोध कैसे किया। इसलिए मिथ्यावादी बनने के खतरे से बचें। दूसरा है कि जब आप अपने समय का सदुपयोग करने का बीड़ा उठाएं तो सिर्फ अपने समय का सोचें, दूसरों का नहीं।
बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम दूसरों को भी बताने लगते हैं कि उन्हें भी यही करना चाहिए। इसलिए लेखक हमें यहां चेतावनी देते हैं कि ऐसे में हमें उपदेशक बनकर दूसरों को यह बताने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तीसरा खतरा जो लेखक हमें बताते हैं कि हमें समय का पालन करते करते समय का गुलाम नहीं बन जाना है, यानी इतना कठोर टाइम टेबल नहीं बना लेना है कि आप जीवन में मौज मस्ती करना ही भूल जाओ। इसके साथ ही जब आप एक काम कर रहे हो तो इस हड़बड़ी में ना रहे कि इसके बाद आपको कौन सा काम करना है और कितने बजे से इसकी शुरुआत करनी है। ऐसा होने पर आपका पूरा ध्यान आपके वर्तमान कार्य पर नहीं होगा और आप हमेशा तनाव की स्थिति में रहेंगे। जब भी आप अपने समय का बेस्ट यूज करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाह रहे हैं तब कभी भी बहुत ज्यादा आकांक्षाएं ना पालें और ऐसा करने में ज्यादा कड़ी मेहनत ना करें। अगर मेहनत करने के बाद भी कुछ सही नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में आपको अपने आप को थोड़ा ढील देने की जरूरत है। आप फिर से योजना बनाकर एक संतुलित शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने चर्चा की हर दिन 24 घंटे कैसे जिए किताब के बारे में। हमें पूरा यकीन है कि इस किताब की बातें आपके जीवन को बेहतर बनाने में काम आएगी। अन्य बुक्स की समरी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।